यहाँ पर आप एक बड़ी लेथ मशीन देख रहे हैं, और इस लेथ मशीन में आप देख रहे हैं ट्रेन के जो वैगन व्हील्स होते हैं, ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनके ऊपर मशीनिंग परफॉर्म की जा रही है। तो इसमें सबसे बड़ा काम होता है कि ट्रेन के व्हील्स को किस तरह से लेथ पे माउंट किया जाए। तो आप देख सकते हैं इसको हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में माउंट किया हुआ है, और यहाँ पर सपोर्ट के लिए आपको स्पेशल फिक्सचर लगाने पड़ते हैं, और इसको बहुत ही स्लो स्पीड पर रोटेट कराना पड़ता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। और यहाँ पे जो लेथ मशीन यूज़ हुई है ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी लेथ मशीन है, और 10 से HP का इसमें मोटर लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इसमें टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और फीड इसमें मैनुअल प्रोवाइड की जा रही है। ये टेल स्टॉक वाला पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ आपको पीछे से, और ये मशीनिंग किस तरह से हो रही है आप देख सकते हैं। टूल ये पूरा टेल स्टॉक वाला पार्ट है, ये बेड है जिसमें चिप्स जो निकल रहा है वो बेड में नीचे चला जाता है। ये हेड स्टॉक की तरफ से मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं ये एक इसमें शाफ्ट है, एक्सल है, और इसके दोनों तरफ आपका व्हील्स माउंटेड है, ठीक है। और ये देख सकते हैं एक व्हील आपका चक में माउंटेड है और एक टेल स्टॉक की साइड माउंटेड है। ये इसका बेड है, और यहाँ पे ये पूरा कैरिज है। कैरिज में बेसिकली इसमें जो टूल का मूवमेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स या क्रॉस डायरेक्शन में, उसके लिए प्रोविजंस रहते हैं। तो कैरिज में आपका जो सैडल है, क्रॉस स्लाइड है, टूल पोस्ट है, कंपाउंड रेस्ट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे अभी मैनुअली ये देख सकते हैं ऑपरेटर फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसको अभी डबल में चलाया जा रहा है, अब इसका पावर का जो ट्रांसमिशन वाला मैकेनिज्म वो देखिए। ये पूरा हेड स्टॉक वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं हेड स्टॉक मेजर पार्ट होता है इसका, और हेड स्टॉक में आपका स्पिंडल है, डिफरेंट साइज की पुलीज हैं जिससे आप डिफरेंट RPM को अचीव कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कितना डेप्थ ऑफ कट है, उसके हिसाब से आपको RPM सेट करना पड़ता है। तो ये 10 HP का मोटर है, और मोटर से फिर आप बेल्ट ड्राइव के थ्रू आप ऊपर पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और यहाँ से फिर आपका जो स्पिंडल है, स्पिंडल बेसिकली हॉलो शाफ्ट होता है, इसके ऊपर डिफरेंट साइज की पुलीज माउंटेड होती हैं, और उन पुलीज उसी स्पिंडल के ऊपर आपका चक भी माउंटेड रहता है। और फिर ये पीछे आपका जो देख रहे हैं ये आप, ये स्पिंडल है, और यहाँ पे ये जो फीड प्रोवाइड करते हैं उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये सब फीड के लिए गियर्स लगे हुए हैं डिफरेंट साइज के, और फिर यहाँ पे देखेंगे ये फीड गियर बॉक्स है। इस गियर बॉक्स से आप लो, मीडियम और हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं इस लीवर को घुमा के। और इसके बाद यदि आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे फीड रॉड है, लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब आपको थ्रेड कट करना होता है। तो ये सिंपल मशीन की तरह ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हैवी ड्यूटी है और हैवी वर्क के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।